प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में आज बहुजन विचार मंच द्वारा महावितरण के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बहुजन विचार मंच के संयोजक नरेंद्र जिस्कार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस समय बातचीत की है नरेंद्र जिस्कार से, आइए डालते एक नजर। हम देख रहे हैं कि प्रीपेड मीटर को लेकर जो है सभी ओर से आंदोलन किए जा रहे, विरोध किया जा रहा है, और इसी श्रृंखला में आज जो है बहुजन विचार मंच की ओर से भी आज जो है निवेदन देकर इसका जो है निषेध किया गया या विरोध किया गया है। क्या बताओगे सर, आज आपने निवेदन दिया प्रीपेड मीटर? नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत जो डिजिटल मीटर जो 507 साल पहले सरकार ने ही अपने टेस्टिंग लैब में चेक करके कंज्यूमर को दिए, उसको बदलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ये चल रहा है। नागरिकों में, ग्राहकों में बहुत ज़्यादा असंतोष है। नागरिक और ग्राहक ये सही मामले में जो अपने यहाँ के जो यूनिट रेट है उससे परेशान है। उसमें ये 12,000 का मीटर का जो बोझा ये ग्राहकों पे आने वाला है, और जिसकी जरूरत नहीं रहती हुई भी आज लोगों का ये कहना है, हम लोगों का भी ये कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी 2003 एक्ट के तहत जो लोगों को स्मार्ट मीटर सुटेबल है, जिनको लगता है कि स्मार्ट मीटर सही है उन्होंने लगाना चाहिए, जिनको लगता है कि नहीं हमारा जो एग्जिस्टिंग मीटर पोस्टपेड मीटर वो सही है, तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ने बोलो या सरकार ने बोलो ये इसको ऐच्छिक रखना चाहिए। जिसको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर चाहिए उसको स्मार्ट मीटर लगा देना चाहिए, और जिसको जो लगता है कि हमारा पोस्टपेड मीटर हम उसमें कंफर्टेबल है, आखिर में सरकार जो रहती है ये लोगों के वेलफेयर के लिए रहती है। किसी के कहने पे, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग करने वाले प्रोडक्ट पे अगर तुम लोगों पे लाद रहे होंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा आंदोलन ये नागपुर शहर में और महाराष्ट्र में होने जा रहा है। और आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार को मैं विनंती करता हूँ, एक आह्वान करता हूँ कि किसी भी हालत में इसको आप फोर्सफुली मत कीजिए। जिसको लगता है स्मार्ट मीटर ठीक है उसको स्मार्ट मीटर देना चाहिए, और जिसको लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि 5 गुना हमने क्यों देना चाहिए। पहले मैकेनिकल मीटर थे, मैकेनिकल मीटर 5 से 7 साल पहले इन्होंने बदली किए, उसको डिजिटल मीटर में कन्वर्ट किया, उसके भी पैसे ग्राहकों ने दिए। अभी 5 गुना जो 12,000 का मीटर ये लोगों ने क्यों देना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसका बहुत बड़ा विरोध नागपुर में हो रहा है। प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर में क्या फर्क है, और क्या इसकी सही में जरूरत है? इसकी सही में जरूरत नहीं है, इसीलिए लोगों का असंतोष है। लोगों के फायदे का या लोगों के वेलफेयर का अगर रहता तो लोग विरोध क्यों करते थे? हम लोग क्यों उनका रिप्रेजेंटेशन लिखा है? लोगों का, लोग अगर खुश रहते तो हमारी कौन सुनता था? आज इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग आए, ये सब सामान्य ग्राहक है, ये कंज्यूमर है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। जो चीज़ जरूरत नहीं है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अगर ग्राहकों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा होगा तो मेरे ख्याल से सरकार कहीं ना कहीं गलत काम कर रही है। जिस तरह से हमने देखा कि नागपुर जोन में 100 मीटर लग चुके हैं प्रीपेड, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, तो ये बंद हो जाएगा या नहीं लगाए जाएंगे? आखिर सरकार का ये काम रहता है कि लोगों को जो अपेक्षित है, लोगों की जो फायदे का है, लोगों को जो जिसमें कंफर्टेबल है वही टाइप के मीटर, वही टाइम के काम सरकार ने करना चाहिए। आज जो एक सैंपल के तौर पे जो मीटर लगे हैं और लोगों को ये समझ रहा है कि ये फोर्सफुली होने जा रहा है, तो लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। आज की ही तारीख में 25 से 30 जगह नागपुर में छोटे मोटे आंदोलन हुए, और अगर ये सरकार मानेंगे नहीं तो मुझे ऐसा लगता है नागपुर में बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा अनरेस्ट लोगों में ये सरकार के खिलाफ है। आज आपने निवेदन दिया है, इसके बाद जो है आंदोलन या क्या रूपरेखा होगी? 30 तारीख को हमारा जो गड्डी गोदाम क्षेत्र है वहाँ YMCA में हमने 6 बजे जन जागृति का कार्यक्रम रखा है। लोगों की बात हम लोग वहाँ पे सुनने वाले हैं। लोगों का विरोध क्या है, क्यों है, हम लोगों को मालूम है, पर फिर भी हम एक बार समझना चाहेंगे कि एरिया एरिया से लोगों का, ग्राहकों का ये स्मार्ट मीटर के बारे में जो ओपिनियन है वो कितना सही है, कितने लोग इसके खिलाफ है। तो हमने देखा कि आज जो है विचार बहुजन विचार मंच की ओर से जो है प्रीपेड मीटर के विरोध में निवेदन दिया गया है, और आने वाले 23 तारीख को जो है जन जागृति पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।